नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक्सेस बॉडी फैट लेवल्स नंबर वन दुश्मन है आपकी हेल्थ और फिटनेस का, तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस का, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, विच मेक्स ओबेसिटी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड टुडे। नॉट कैंसर, नॉट रोड एक्सीडेंट्स, नॉट कोरोना, ओबेसिटी इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड टुडे। और हाई बॉडी फैट ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ को तो बर्बाद करता ही है, साथ के साथ ये आपकी सेल्फ इमेज को भी डिग्रेड करता है। आप खुद को अनअट्रैक्टिव इंसान समझने लगते हैं और इन नेगेटिव फीलिंग्स के कारण लोगों को तमाम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम, सोशल एंग्जाइटी, पुअर बॉडी इमेज एंड इवन ईटिंग डिसऑर्डर्स। और एक्सट्रीम केसेस में इन बॉडी इमेज इश्यूज के कारण लोग डिप्रेशन में भी गिर जाते हैं। तो ये तो क्लियर है कि हाई बॉडी फैट आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जितना कम होगा बॉडी फैट उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। मीडिया में हर जगह, आपकी फिटनेस इंडस्ट्री में, आपकी फिल्म इंडस्ट्री में, आपके फेवरेट मूवी स्टार्स, आपके फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स शो ऑफ करते हुए दिखाई देंगे एक अल्ट्रा श्रेडेड फिजिक, जहां पर उनका हर मसल कट क्लियरली सेपरेटेड दिख रहा है, क्लियर सिक्स पैक दिख रहा है, और ये इमेज परसीव की जाती है एज द एपिटोम ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, सबसे उच्च स्थान, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और डिज़ायरेबल फिजिक। अगेन, ये भी बड़ा मिसलीडिंग है। आपको शायद जानकर ताजुब होगा दोस्तों, लेकिन इतने लो बॉडी फैट पे लोग बाहर से जितना अच्छा दिखते हैं, अंदर से उतना ही वीक और मिजरेबल फील करते हैं। बॉडी फैट की सच्चाई ये है कि जहाँ एक तरफ हाई बॉडी फैट आपकी हेल्थ को डैमेज करता है, वहीं दूसरे छोर पर लो बॉडी फैट भी आपकी हेल्थ को डाउन करता है। अपनी हेल्थ, फिजिक और वेलबींग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको एक स्वीट स्पॉट चाहिए बॉडी फैट परसेंटेज का, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में। तो क्या है ये स्वीट स्पॉट, ये राइट बॉडी फैट परसेंटेज वाला रेंज, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी बेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी लाइफ, जानेंगे आज के वीडियो में। Obesity is a health hazard that is rapidly catching up. In our study, we found that increasing fat, not increasing BMI, was the primary risk factor for death. Your first shot, your life is going to change. It'll never be the same. It's not how much tissue you have, it's what you're actually made of. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्यों हमारी बॉडी फैट स्टोर करना चाहती है। बॉडी फैट दोस्तों, बॉडी का एक टिश्यू है, प्रॉपर टिश्यू है, कोई कचरा नहीं है। इसे कहा जाता है एडिपोज टिश्यू, और ये हमारी बॉडी का तरीका है एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करने का। इवोल्यूशन के टर्म्स में अगर आप सोचें तो ये बड़ा ही फायदेमंद अडेप्टेशन है सर्वाइवल के लिए। दोस्तों, अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री पे नजर डालेंगे जूम आउट करके, पिछले 100-200 हजार सालों में जो फूड का सप्लाई है वो गारंटेड नहीं होता था, ये श्योरिटी ही नहीं होती थी कि रोज़ रोज़ हमें खाना मिल जाएगा। हमारे एंसेस्टर्स रोज़ अपना कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाते थे, तो इसलिए इवोल्यूशन के दौरान हमारी बॉडी इस तरह इवॉल्व हुई कि जब भी एक्स्ट्रा कैलोरीज अवेलेबल होती थी तब हम पेल के खा लेते थे, ताकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी स्टोर कर ले, और जब खाना अवेलेबल ना हो तब हम अपनी स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करके ज़िंदा रह पाएँ। अगर इवोल्यूशन में ये बॉडी फैट डिपोजिशन का सिस्टम डेवलप नहीं होता तो ह्यूमन स्पीसीज आज की तारीख में पहुंचती नहीं यहाँ तक। सो सर्वाइवल मैकेनिज्म है ये बहुत ही रीसेंट हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में, कि हर तरफ हमारे फूड अवेलेबल हैं, जब चाहें जो चाहें हमें मिल सकता है, बस ऐप पे ऑर्डर करना है। अब तो अलग ही टाइम आ गया है, साथ के साथ हमारी लाइफ भी इतनी सेडेंटरी हो गई है। तो एक तरफ हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो गया है, क्योंकि हम इतने हिलते डुलते नहीं है, ना हंटिंग करते हैं, दूसरी तरफ एनर्जी इनटेक और फूड का अबंडेंस बढ़ गया है। तो ऐसे में एक्सेस बॉडी फैट होना एक मेडिकल प्रॉब्लम बन चुका है। आपकी बॉडी फैट स्टोर करेगी या फिर अपने फैट स्टोर्स को बर्न करेगी, ये डिपेंड करेगा आपके नेट एनर्जी बैलेंस पे। अगर दिन भर में आपका एनर्जी इनटेक ज़्यादा हो रहा है आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर से, तो आप इन ऑल नेट में फैट डिपॉजिट करेंगे, और अगर आप कम एनर्जी इनटेक ले रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी बर्न कर रहे हैं, ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस केस में आप नेट में फैट बर्न करेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों प्राइमरी फंक्शन बॉडी फैट का, पर इसके अलावा और भी फायदे हैं बॉडी फैट के, जैसे कि ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक कुशनिंग प्रोवाइड करता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी एक्सटर्नल डैमेज, साथ के साथ ये आपकी बॉडी में एक तरह से इंसुलेशन का काम करता है और आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। रीसेंट कुछ सालों में रिसर्च में ये भी देखने को मिला है कि बॉडी फैट आपके एंडोक्राइन सिस्टम में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेप्टिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है बॉडी फैट, जिससे आपके हंगर लेवल्स और आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर रेगुलेट होता है।
साथ के साथ आपका बॉडी फैट रिलीज करता है साइटोकाइंस। दीज आर स्मॉल प्रोटीन्स जो रेगुलेट करते हैं आपके इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग। तो अब ये समझने के बाद कि बॉडी फैट के क्या क्रूशल रोल हैं आपकी हेल्थ, फिटनेस और वेलबींग के लिए, आइए नज़र डालते हैं डिफरेंट बॉडी फैट परसेंटेजेस की रेंज पर। क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं हर बॉडी फैट रेंज के आपकी हेल्थ, फिटनेस और फिजिक पे, और क्या राइट रेंज रहेगी जहां आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पहली रेंज, एसेंशियल बॉडी फैट, मेन में 2-5% और विमेन में 10%। जैसा कि नाम में लिखा है एसेंशियल, यानी कि इतना बॉडी फैट तो जरूरी है आपके सर्वाइवल के लिए, आपकी डे टू डे प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए इतना बॉडी फैट कंपलसरी है। अगर आप यहाँ तक अपना बॉडी फैट ड्रॉप कर देंगे तो आपको सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे। 2013 में ये स्टडी की गई थी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी एंड परफॉर्मेंस में, और यहाँ पे स्टडी किया गया था एक नेचुरल ड्रग फ्री बॉडी बिल्डर जो कि ड्रॉप करता है अपना बॉडी फैट परसेंटेज 14.8 से 4.5% तक, और देखा गया कि इस बंदे का हार्ट रेट ड्रॉप कर गया था 53 बीट्स पर मिनट से 27 बीट्स पर मिनट तक। ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया था 132 से 104 तक। ऐसे में आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, डिजीनेस होगी, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, आप पास आउट कर सकते हैं और इवन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, काफ़ी हाई चांसेस हैं। इस बंदे का टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप कर गया था 9.22 से 2.27 एनजी पर एमएल के लेवल पर। हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं दोस्तों 3-9.5 एनजी पर एमएल तक, यानी कि इस बंदे का टेस्टोस्टेरोन एक हाई लेवल से मेडिकली लो लेवल तक ड्रॉप कर गया था। और भी तमाम नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं इतने लो बॉडी फैट तक ड्रॉप करने के, आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल पूरे टाइम बढ़ा रहता है जिसके कारण आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है, जिसके कारण आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और आपके इन्फेक्शन और डिजीजेस, इवन कॉमन कोल्ड होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और आपने यहाँ एक चीज़ नोट की होगी दोस्तों कि विमेन के लिए ये एसेंशियल वाला रेंज है 10%, यानी कि मेन से ज़्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि इवोल्यूशन बहुत स्मार्ट है दोस्तों, हर चीज़ का ध्यान रख लेता है। इवोल्यूशन में विमेन को प्रायोरिटी दी गई है, अगर कोई फैमिन आ जाए, खाने की कमी पड़ जाए तो विमेन ज़्यादा लंबा जिएंगी, मेन पहले मर जाएंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि विमेन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ह्यूमन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, एक बेबी को अपने वूम्ब में क्रिएट करने के लिए, बेबी बर्थिंग के लिए और बेबी को फीड करने के लिए विमेन के पास एक्स्ट्रा रिजर्व ऑफ एनर्जी ज़रूरी है। एवरीथिंग मेक्स सेंस, और इसलिए विमेन का एसेंशियल बॉडी फैट लेवल है 10%। इनफैक्ट मेन और विमेन की रेंजेस में हर जगह 10% का डिफरेंस बनता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बॉडी फैट रेंज की तरफ, इसका नाम है श्रेडेड रेंज। मेन में ये रेंज है 5-10% की और विमेन में 10-13% का। ये भी काफ़ी लो बॉडी फैट परसेंटेज है दोस्तों, और यहाँ पर एक अल्ट्रा रिप्ड और श्रेडेड फिजिक आपको देखने को मिलेगी। इस रेंज में जो आपका सबक्यूटेनियस बॉडी फैट है जो स्किन के नीचे होता है वो बहुत कम है, जिसके कारण इस रेंज में आपको अल्ट्रा पेपर थिन स्किन देखने को मिलेगी, हाई डिग्री ऑफ मसल सेपरेशन देखने को मिलेगा, एकदम क्लियर शार्प चिजल्ड सिक्स पैक यहाँ पर देखने को मिलेगा। बॉडी में हर जगह वैस्कुलैरिटी आपको दिखेगी, आर्म्स पे, चेस्ट पे, लेग्स पे, शोल्डर पे। इनफैक्ट इस बॉडी फैट रेंज के लोअर एंड पे आपको मसल स्ट्राइशंस भी देखने को मिलेंगे, आपने देखा होगा कई प्रो बॉडी बिल्डर्स के फोटो में। ये वही बॉडी फैट लेवल है दोस्तों जो अक्सर आपको सोशल मीडिया पे, फिटनेस इंडस्ट्री में हर जगह देखने को मिलता है, जिन फोटोज सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं एक्सप्लोर पेज पे, जो फोटो आपको प्रोटीन के डिब्बों पे दिखेंगी बॉडी बिल्डर्स की। और अगर आपने कभी कोई बॉडी बिल्डिंग शो देखा हो तो स्टेज पे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका भी यही बॉडी फैट परसेंटेज होता है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल दिखता है, लेट्स एक्सेप्ट इट, एस्थेटिक दिखता है, प्लेजेंट टू आई दिखता है। डेली लाइफ में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, तो जब देखने को मिलता है तो हम लोग ऑ में देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतनी लीन फिजीक देखने में विजुअली तो बड़ी अच्छी लगती है, पर इसके साथ झेलने पड़ते हैं सीरियस नेगेटिव इफेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। सबसे पहले तो इतना लीन होने के लिए और फिर इस लीननेस को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग करनी होगी, बहुत कम कैलोरी बजट में आपको अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी, आपकी प्रोटीन नीड्स, आपका फैट इनटेक, आपके कार्ब इनटेक और इवन आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिंस, मिनरल्स, हर चीज़ पे बहुत ध्यान देना होगा। ऐसे में बिल्कुल भी ब्रीथिंग स्पेस नहीं बचता है कि आप कोई फ्लेक्सिबल डाइटिंग करें या कभी कोई बाहर का मील खा लें, कोई टेस्टी मील खा लें, कोई हाई कैलोरी मील कर लें, दिस इज़ एज स्ट्रिक्ट एज इट गेट्स। साथ के साथ आपको मेंटेन करनी पड़ेगी एक स्ट्रिक्ट कार्डियो रेजीम रेगुलर बेसिस पे, अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल जिम वर्कआउट्स,
और इतना ज़्यादा डेडिकेशन और डिसिप्लिन बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है 99% लोगों के लिए, जो जनरल पॉपुलेशन है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए ये सस्टेनेबल नहीं है। और तो और इतने लो बॉडी फैट लेवल पे ज़्यादा टाइम तक रहने के बहुत सारे नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स भी हैं, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और बॉडी बिल्डर्स ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इंटरव्यू में, वहाँ आपको सुनने को मिलेगा कि इतना श्रेडेड होने के बाद उन्होंने कई सारे इश्यूज़ फेस किए, जैसे कि कॉन्स्टेंट फटीग, थकान, लॉस ऑफ स्लीप क्वालिटी, कॉन्स्टेंट हंगर, पुअर सेटाइटी आफ्टर मील्स, हमेशा कोल्ड फील करना, क्योंकि जैसा हमने बात की बॉडी फैट आपके इंसुलेशन का भी काम करता है, एंड ऑफ कोर्स इतने लो बॉडी फैट लेवल पे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ड्रॉप कर जाते हैं, जिसके कारण लोगों की सेक्स ड्राइव कम हो जाती है एंड इवन कुछ केसेस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लोगों को जूझना पड़ता है। इन सभी फैक्टर्स को अगर आप देखें, आपकी परफॉर्मेंस इनसाइड द जिम या फिर किसी भी एथलेटिक स्पोर्ट में अपने वर्स्ट पे होती है इस बॉडी फैट लेवल पे, एंड ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा गिर जाती है। यू इमेजिन कीजिए कि इस लेवल पे आपकी बॉडी अपनी लाइट्स डिम करने लगती है एज अ वार्निंग साइन कि मूर्ख आदमी क्या कर रहे हो, पगला गए हो क्या, और नीचे जाओगे तो बत्ती बुझ जाएगी। ऐसे में दोस्तों इतनी श्रेडेड फिजिक मेंटेन करना एकदम अनरियलिस्टिक और अनसस्टेनेबल है 99% लोगों के लिए, एंड 99% इसलिए क्योंकि 1% हमेशा जेनेटिक आउटलायर्स होते हैं, उनके लिए हो सकता है इस बॉडी फैट लेवल में रहना कंफर्टेबल और सस्टेनेबल हो पाए। फिटनेस इंडस्ट्री में भी जिन इन्फ्लुएंसर्स का आपको बॉडी फैट लेवल इतना लो देखने को मिलता है, वो केवल बिजनेस रीजंस के कारण कर रहे हैं दोस्तों। उन्हें पता है कि इतना लीन, श्रेडेड, रिप्ड फिजिक अगर वो रखेंगे तो उन्हें ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, ज़्यादा फॉलोइंग बढ़ेगी, ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, ज़्यादा सेल्स हो पाएगी उनके कोचिंग प्रोग्राम्स की और उनके सप्लीमेंट्स की। एंड इवन ये लोग भी हमेशा इतने लीन नहीं रहते हैं, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम वो इस श्रेडेड बॉडी फैट रेंज में केवल कुछ टाइम के लिए आते हैं और जल्दी से फोटोशूट करवा लेते हैं, वीडियोज़ प्रमोशनल मटेरियल शूट कर लेते हैं प्रॉपर लाइटिंग में, प्रॉपर कैमरा एंगल में, ऑयल वॉयल लगा के, और उसके बाद फटाफट वो एक हेल्दी बॉडी फैट रेंज में चले जाते हैं वापस, और ये फोटोज़ वगैरह फिर वो हमेशा यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी कराया अपना फोटोशूट इस बॉडी फैट लेवल रेंज में जाके। अगर कोई बंदा आपको साल भर हमेशा इतना श्रेडेड दिखाई दे रहा है तो मोस्ट लाइकली वो कोई परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग यूज़ कर रहा है या स्टेरॉइड्स पे है, मोस्ट लाइकली। इवन प्रो बॉडी बिल्डर जो होते हैं, जो कि स्टेरॉइड्स पे होते ही हैं, वो भी केवल अपने कॉम्पिटिशन प्रेप के दौरान बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही इस बॉडी फैट रेंज में आते हैं, और कॉम्पिटिशन ख़त्म होते ही फटाफट वो भी एक हेल्दियर बॉडी फैट रेंज में चले जाते हैं वापस। हेंस दिस श्रेडेड रेंज, दिस अल्ट्रा लीन बॉडी फैट रेंज इज गुड फॉर द बिजनेस बट नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यू लुक एट योर बेस्ट आउटसाइड बट यू फील एट योर वर्स्ट इनसाइड। इट्स कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉर अ रीजन, इट्स नॉट कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल। आगे बढ़ते हैं अगली बॉडी फैट रेंज की तरफ, लीन रेंज। मेन में ये है 10-15% और वीमेन में 14-20%। दोस्तों ये वो बॉडी फैट लेवल है जहाँ आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड देखने को मिलता है। आप एस्थेटिकली लीन भी होते हैं और एट द सेम टाइम आपकी हेल्थ और परफॉर्मेंस पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता। आपकी बॉडी के सभी इंटरनल सिस्टम्स यहाँ पे हेल्दीली और हैप्पीली ऑपरेट करते हैं। आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी इस रेंज में एकदम बढ़िया रहते हैं। ये बॉडी फैट लेवल मेंटेन करना भी कंपैरेटिवली काफ़ी ईजियर है। आपकी पूरी लाइफ रिवॉल्व नहीं करनी है आपकी ट्रेनिंग और डाइट के अराउंड, केवल स्किलफुल ईटिंग से आप ये फिजिक मेंटेन कर पाएंगे। स्किलफुल ईटिंग में हमने एपिसोड 1 किया था फिटनेस मास्टरी सीरीज में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा आपने नहीं देखा हो तो। इस बॉडी फैट रेंज में आप आराम से फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर सकते हैं, टाइम टाइम पे बाहर के मील्स खा सकते हैं, और आपके पास एक ब्रीदिंग स्पेस होता है फॉर सम फन। और ध्यान दीजिए, इस रेंज का नाम हमने रखा है लीन, यानी कि यहाँ भी आप सफिशिएंटली लीन होंगे, एक एस्थेटिक फिजिक आपकी यहाँ भी होगी, शार्प जॉ लाइन होगी, विजिबल एब्स होंगी, स्पेशली लोअर एंड में इस रेंज के मसल सेपरेशन काफ़ी डिसेंटली क्लियर होंगे, और कई केसेस में वैस्कुलैरिटी भी आपकी होगी। बीच बॉडी वाला लुक मेंटेन रहेगा, बिना शर्ट के आप एस्थेटिकली फिट लगेंगे और शर्ट में आप स्लिम और फिट लगेंगे। यहाँ मैं एक स्पेशल नोट बोलना चाहूँगा फॉर विमेन, ये जो हमने श्रेडेड और लीन बॉडी फैट परसेंटेजेस की बात की, यहाँ जो हमने हेल्थ इश्यूज डिस्कस किए, जो प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए, वो ज़्यादातर मेन पे ही लागू होते हैं। विमेन अगर इतना लीन अपना बॉडी फैट ड्रॉप करती हैं तो काफ़ी सिवियर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं, और इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता कि विमेन इतने लो बॉडी फैट तक कट करें। रोज फ्रिश एक प्रोमिनेंट रिसर्चर हैं फर्टिलिटी रिसर्च की फील्ड में, जिन्होंने अपने रिसर्च वर्क में देखा है कि विमेन जो अपना बॉडी फैट 17% के नीचे ले जाती हैं, उनको सिवियर फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं और उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है एमेनोरिया।
हालांकि देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल एथलीट्स जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 10-20% के बीच में है, बट देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि इस रेंज में सीवियर रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो जाते हैं। फीमेल एथलीट्स को ज़्यादा डिफिकल्टी होती है प्रेग्नेंट होने में और एक चाइल्ड कंसीव करने में। इनफैक्ट रिसर्च में देखा गया है कि करीब 18% ऑफ ऑल द विमेन जो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही हैं वो एथलीट्स हैं। सो अगेन, विमेन के लिए ये श्रेडेड और लीन वाली बॉडी फैट परसेंटेज रेंज रिकमेंडेड नहीं है। लीन में थोड़ा हाई साइड में फिर भी वो रह सकती हैं, बट उसके नीचे इज नॉट रिकमेंडेड। और एसेंशियल बॉडी फैट रेंज तो किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, एंड मैन कैन एब्सोल्युटली लिव अ गुड लाइफ इन द लीन बॉडी फैट परसेंटेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बॉडी फैट रेंज की तरफ, जो कि है फिट रेंज। मेन में है ये रेंज 15-20% और विमेन में 20-26%। ये बॉडी फैट रेंज भी एकदम हेल्दी है एंड यहाँ आपके पास और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ योर डाइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल विथ योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, बॉडी के इंटरनल सिस्टम सब एकदम खुशहाल। जो लोग इस बॉडी फैट रेंज में होते हैं वो फिट ही माने जाते हैं, पर विजुअली उनकी फिजीक हो सकता है उतनी शार्प ना लगे बिना शर्ट के। पर जिन लोगों के पास काफ़ी डिसेंट मसल मास होता है उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बॉडी फैट इस रेंज में एक बिगर लुक देता है उनकी फिजीक को व्हेन कंपेयर टू द लोअर बॉडी फैट। स्पेशली कपड़ों में वो ज़्यादा बिगर लगेंगे। ऑफ कोर्स ये विजुअल इफेक्ट पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है। कुछ लोगों को पसंद है कपड़ों में थोड़ा बिग लगना, कुछ लोगों को पसंद है लीन और शार्पर लगना। जैसे जैसे बंदा इस रेंज के हायर एंड की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे मसल डेफिनेशन ब्लर होती जाएगी और आपकी जॉ लाइन सॉफ्ट होती जाएगी और वेस्कुलरिटी ऑलमोस्ट गायब हो जाएगी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में, तो इस बॉडी फैट रेंज में होने के कई फायदे भी हैं। थोड़ा एक्सेस बॉडी फैट होने से पावर लिफ्टर्स ज़्यादा वेट मूव कर पाते हैं वाइल स्टेइंग हेल्दी एंड हैविंग नो मोबिलिटी इश्यूज। विमेन में अबव 22% बॉडी फैट रिकमेंड किया जाता है फॉर ऑप्टिमल फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आगे बढ़ते हैं अगली बॉडी फैट रेंज की तरफ, एवरेज रेंज। मेन में ये है 20-25% और विमेन में 27-31%। दोस्तों ये वो बॉडी फैट लेवल है जहाँ पर ज़्यादातर लोग पाए जाएंगे आम जनता में। हमने इस बॉडी फैट रेंज को नाम दिया है एवरेज, पर अगर आप फिटनेस के टर्म्स में बात करें तो ये एक हाई बॉडी फैट की रेंज मानी जाएगी। अनफिट नाम भी दिया जा सकता था इस रेंज को, मतलब यहाँ से बात आपके हाथ से निकलना शुरू हो चुकी है। जो लोग सिस्टमेटिकली अपनी डाइट पर और अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते हैं बट एक डिसेंट डे टू डे एक्टिविटी मेंटेन करते हैं और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट नहीं खाते हैं, वो अक्सर इस रेंज में पाए जाते हैं। फैट डिपॉजिट हो जाता है आपके पेट पर, आपके हाथ पर, आपके फेस पर, लव हैंडल्स प्रोमिनेंट होते हैं और हो सकता है आप कपड़ों में स्लिम ही लगें, अनफिट या फैट ना लगें, पर बिना कपड़ों के बिना शर्ट के आप क्लियरली आउट ऑफ शेप दिखेंगे और एक स्किनी फैट सी फिजीक यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आपका बॉडी फैट लेवल इस रेंज के भी हायर साइड पे जाने लगेगा वैसे वैसे आपके हेल्थ मार्कर्स, ब्लड मार्कर्स नेगेटिवली इम्पैक्ट होते जाएंगे और ओबेसिटी और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के रिस्क बढ़ जाएंगे। एक स्टडी की गई थी बॉडी फैट लेवल्स पर ऑफ मिडिल एज मैन लिविंग इन पुणे और देखा गया था कि एक एवरेज बॉडी फैट परसेंटेज 23-26% यहाँ देखने को मिला। जो लोग शहर में रहते हैं उनका बॉडी फैट परसेंटेज ऑन एन एवरेज गाँव वालों से थोड़ा ज़्यादा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट और फाइनल बॉडी फैट लेवल की तरफ, जो कि है आपका ओवरवेट रेंज। मेन में अबव 25% और विमेन में अबव 32%। दोस्तों इस रेंज से आपके नेगेटिव हेल्थ मार्कर्स शुरू हो जाते हैं और बद से बदतर ही होते जाते हैं जैसे जैसे आपका बॉडी फैट लेवल और बढ़ता है स्टेज में। इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स एंड हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीजेज लाइक टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेज। आई होप आप जानते हैं हाई बॉडी फैट नंबर वन रीज़न इन डिजीजेज के होने के पीछे। अगर आपका बॉडी फैट लेवल बढ़ते जा रहा है, आप हमेशा क्रॉनिक एनर्जी सरप्लस की स्टेट में हैं, ओवर ईटिंग किए जा रहे हैं, तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आपको ये इरिवर्सिबल हेल्थ इश्यूज हो ही जाएंगे। एक्सेस बॉडी वेट होने से आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी ज़्यादा लोड पड़ता है। इस बॉडी फैट रेंज में लोग विजिबली ओवरवेट होंगे और उनकी बॉडी पे सिग्निफिकेंट फैट डिपॉजिट होगा और इसके कारण कई लोगों को बॉडी इमेज इश्यूज भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक लो सेल्फ स्टीम, सोशल एंग्जाइटी एंड बॉडी डिसमॉर्फिया। हाई बॉडी फैट लेवल्स होने से आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। मेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं और एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं जिसके कारण फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और विमेन में भी बहुत कॉमन है PCOS जैसी प्रॉब्लम्स का होना इस बॉडी फैट रेंज में। तो दोस्तों ये हमने सारा स्पेक्ट्रम कवर कर लिया बॉडी फैट रेंज का।
अब एक बार सबको एक साथ कंपेयर करके देखते हैं हर बॉडी फैट रेंज के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और कौन सी बॉडी फैट रेंज बेस्ट सूटेड रहेगी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑप्टिमाइज करने के लिए एज अ नेचुरल लिफ्टर। ये स्क्रीन पर आप पूरा स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो जो बातें हमने डिस्कस की है वो सबकी सब यहाँ पे लिखी हुई है, हर बॉडी फैट रेंज के क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं और क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलेगी हर बॉडी फैट रेंज में। यहाँ साफ साफ सीधा सीधा दिख रहा है कि केवल 3 बॉडी फैट रेंजेस ऐसी हैं जो कि हेल्दी और सस्टेनेबल होगी ज्यादातर लोगों के लिए इन लॉन्ग टर्म। ये तो ऑब्वियस है कि ओवरवेट रहने का कोई फायदा नहीं है और केवल हेल्थ रिस्क ही है। ऐसे में कोई भी इंटेंशनली ओवरवेट नहीं रहना चाहेगा। ऐसे में ओवरवेट वाली बॉडी फैट रेंज को हम सीधा का सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं अपने कंसिडरेशन से। और हमने ये भी समझा कि ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जो श्रेडेड वाली बॉडी फैट रेंज है वो भी अनहेल्दी है, वहाँ रहने के भी बहुत सारे नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए वो मेंटेन करना सस्टेनेबल भी नहीं है। दोस्तों हाइपरट्रॉफ पे डे 1 से मैंने हमेशा लॉन्जेविटी, सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। हमेशा हमारा एम रहा है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऑप्टिमाइज करना ताकि आप अपनी बेस्ट लाइफ जी पाएं और फिटनेस को सस्टेनेबली और इंजॉयबली प्रैक्टिस कर पाएं। तो शेडेड बॉडी फैट वाली रेंज को भी एलिमिनेट कर सकते हैं अपने कंसिडरेशन से। अब जो बचा उस पर नजर डालें तो इसमें जो एवरेज बॉडी फैट परसेंटेज वाली रेंज है वो डेफिनेटली मेंटेन करना ईजी है और ज़्यादातर केसेज में वहाँ कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होंगी। बट अगेन, अगर आप हाइपरट्रॉफ फॉलो कर रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, तो हमारा गोल एवरेज होना नहीं है। हमारा गोल है अपनी बेस्ट लाइफ जीना। हमारा गोल बस काम चलाना नहीं है कि बस सर्वाइव कर लें बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के, बस नेगेटिव को अवॉइड कर लें। नहीं, हमारा गोल है एक्टिवली पॉजिटिव को सीक आउट करना अपनी बेस्ट लाइफ जीने के लिए। ऐसे में एवरेज बॉडी फैट परसेंटेज वाली रेंज को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं अपने कंसिडरेशन से। अब बचती हैं केवल लीन और फिट बॉडी फैट परसेंटेज वाली रेंजेस। इस बॉडी फैट रेंज में कौन सी आपको चुननी चाहिए, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे। सबके फिटनेस गोल डिफरेंट होते हैं, सबके बॉडी गोल्स डिफरेंट होते हैं, सबके परफॉर्मेंस गोल्स डिफरेंट होते हैं, सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है। कोई एक बॉडी फैट परसेंटेज मैं रिकमेंड कर दूं सबके लिए, ये पॉसिबल नहीं है। सो आई होप इट मेक सेंस कि आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपके लिए बेस्ट बॉडी फैट रेंज क्या रहेगी आपके गोल्स के हिसाब से। और ये डिसीजन आसान बनाने के लिए आप 3 क्राइटेरियाज को कंसिडर कर सकते हैं, हाउ यू फील, हाउ यू लुक एंड हाउ यू परफॉर्म। जिस बॉडी फैट रेंज में ये 3 क्राइटेरिया आपके ऑप्टिमाइज हो रहे हों वो होगा आपका आइडियल बॉडी फैट रेंज। पहला, हाउ यू फील। यहाँ आपको देखना होगा आपकी हेल्थ, लाइफस्टाइल और मूड कैसा रह रहा है। लीन और फिट बॉडी फैट रेंज में भी काफ़ी इंडिविजुअल वेरिएशन होगा। कुछ लोग इस रेंज के लोअर एंड को आसानी से मेंटेन कर पाएंगे, कुछ लोग हायर एंड पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और ज़्यादा सस्टेनेबल उसको मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ आपको देखना होगा कि आपके परफॉर्मेंस गोल्स क्या हैं व्हेन इट कम्स टू योर ट्रेनिंग, योर स्पोर्ट, योर स्ट्रेंथ एंड एथलेटिक्स। आपका गोल होना चाहिए टू सेलेक्ट दैट बॉडी फैट रेंज जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो पाए आपके चोजन स्पोर्ट में, या इवन इफ दैट इज डे टू डे फिजिकल एक्टिविटीज। एंड ऑफ कोर्स जो फर्स्ट क्राइटेरिया था, हाउ यू फील, वो भी मैटर करेगा क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर मूड एंड एनर्जी लेवल्स। 1983 में एक बड़ी स्टडी हुई थी अमेरिकन जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में। स्टडी की गई थी एलीट एथलीट्स पे जो ओलंपिया में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बॉडी कॉम्पोजिशन पे, और देखा गया ऑलमोस्ट हर डिसिप्लिन को लेके, आपका वॉलीबॉल, रेसलिंग, स्विमिंग, डीकैथलॉन, स्पीड स्केटिंग, ऑन एन एवरेज मेल एथलीट्स का बॉडी फैट परसेंटेज था 8-17% और फीमेल एथलीट का बॉडी फैट परसेंटेज था 11-23%। ये स्टडी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एक्सेप्शनल लेवल्स ऑफ एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए किसी भी स्पोर्ट में ये लीन टू फिट वाली बॉडी फैट परसेंटेज इनफ है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप समझे तो कई बार लोग ट्रैक पे जाने से पहले तमाम तैयारियां करते हैं स्टेमिना बढ़ाने के लिए, अच्छे जूते खरीदते हैं, पर बॉडी फैट परसेंटेज होता है 25 के ऊपर। तो ऐसे में अगर बॉडी फैट परसेंटेज वो ड्रॉप करें, अपना एक्सेस बॉडी फैट जो कैरी कर रहे हैं उसको शेड ऑफ करें, वहां से उनकी स्टेमिना पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स ऐसे कुछ स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे हाई बॉडी फैट लेवल्स ज़्यादा फेवरेबल होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, जैसे कि सुमो रेसलिंग, कुश्ती, पहलवानी। पर यहाँ भी देखा गया है कि हाई बॉडी फैट लेवल्स होने के कारण जो नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो एथलीट्स को फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जापान के जो सुमो रेसलर्स हैं उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 60-65 साल, और ये एक ऐसे देश में जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाईएस्ट है वर्ल्ड में। तीसरा पैरामीटर, हाउ यू लुक। फाइनली आपको कंसिडर करना होगा कि आप कैसा दिखना चाहते हैं, फिजीक आप कैसी चाहते हैं,
आपके एस्थेटिक गोल्स, अगर आपको चाहिए एक चिजल्ड फिजीक विथ क्लियर मसल सेपरेशन एंड अ क्लियर सिक्स पैक, तो आपको इस रेंज के लोअर एंड पे रहना होगा। और उसके लिए फिर आपको अपनी डाइट पर उस हिसाब से ध्यान देना होगा और अपनी एक्टिविटी मेंटेन करनी होगी। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। और अगर आपका एस्थेटिक गोल है कि बस एक फिट बॉडी लगनी चाहिए, फोटोज डिसेंटली अच्छी आनी चाहिए, बिना कपड़ों के घूम पाए बीचेस पे भी, तो इस रेंज के मिडिल एरिया में भी आप रह सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिजिक वहाँ मेंटेन कर पाएंगे, विच विल बी 14-17% फॉर मोस्ट मेन। और अगर आप प्रिफर करते हैं थोड़ा बिगर लुक एंड यू डोंट माइंड लूजिंग सम मसल डेफिनेशन, कपड़े में थोड़ा फुलर लुक आपको अच्छा लगता है, तो आप इस रेंज के हायर एंड पे भी रह सकते हैं, विच वुड बी 17-20% फॉर मोस्ट मेन। और इन सभी की सभी बॉडी फैट रेंजेस में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी फिजिक तभी अच्छी लगेगी जब आपके पास डिसेंट मसल मास हो। डिसेंट मसल मास का होना ज़रूरी है। लीन होने से आपकी जो फिजिक है वो बस रिवील होती है, क्रिएट नहीं होती है। तो दोस्तों, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया हर बॉडी फैट रेंज के बारे में। एक ब्रॉड पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा बॉडी फैट आपकी हेल्थ के लिए डैमेजिंग है, वहीं बहुत कम बॉडी फैट पे आपकी बॉडी की बत्तियाँ बुझने लगती हैं। तो स्वीट स्पॉट है फॉर बॉडी फैट परसेंटेज, मेन के लिए ये है 10-20% और वेमेन के लिए ये कहूँगा मैं 18-26%, इवन 20-26%। इसके नीचे वेमेन को फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप फिलहाल खुद को ओवरवेट बॉडी फैट कैटेगरी में पाते हैं, तो आपका पहला फिटनेस गोल होना चाहिए खुद के बॉडी फैट परसेंटेज को एक हेल्दी लेवल पे लाना। आपका पहला फिटनेस गोल सिक्स पैक नहीं होना चाहिए, अपनी बॉडी को एक ऐसी जगह लाना जहाँ आप ये प्रिवेंटेबल डिजीजेस को कम्प्लीटली अवॉइड कर पाएं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट इश्यूज़। जैसा कि हमने चैनल पे हमेशा बात की है दोस्तों, फिटनेस का सीक्रेट है मॉडरेशन। यहाँ बॉडी फैट रेंज में भी आप देख सकते हैं, मॉडरेशन इज़ द की। जो बीच वाली रेंज है वही स्वीट स्पॉट है, एक्सट्रीम्स हमेशा अवॉइड करने हैं। मॉडरेशन इज़ वेयर यू गेट द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। वीडियो लंबा हो गया, पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े बॉडी फैट टिश्यू को लेके। इसके अलावा हमने पूरी फैट लॉस सीरीज बना रखी है, जहाँ हमने डाइट और ट्रेनिंग की बात की थी, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अपनी डाइट और ट्रेनिंग रखनी चाहिए फैट लॉस करने के लिए। मैं सीरीज़ यहाँ पर लिंक कर दूंगा, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, बहुत काम की चीज़ है। मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द किसी नए एपिसोड में फिटनेस मास्टरी सीरीज़ के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।